भीमसेन द्वारा जरासंध का वध होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उन 20,000 राजाओं से मिले जिन्हें जरासंध ने जीतकर भाणों के किले में कैद कर रखा था। श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके वस्त्र मैले हो रहे थे, वे भूख से दुर्बल हो गए थे और उनके मुख सूख गए थे। लंबे समय से जेल में रहने के कारण उनका एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन राजाओं ने देखा कि सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनका वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला सलूना शरीर और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र फहरा रहा है। सुंदर चार भुजाएं, उनमें गदा, शंख, चक्र और कमल सुशोभित है। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा और शिवत्सल चिन्ह है। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर रत्नारे कोमल नेत्र, सुंदर बदन, प्रसन्नता का सदन, सुंदर मुकुट, कड़े कर्धनी मोतियों के हार और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देख उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई कि मानो वे नेत्रों से ही उन्हें पी रहे हों और बाजुओं में आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही धुल चुके थे। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि कैद में रहने की पीड़ा तो वे भूल ही गए। वे इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हरने वाले देवेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर चक्र से भी छुड़ा ही दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके उससे ऊब चुके हैं। हे प्रभु, यह तो आपका बड़प्पन है कि हम राजा कहलाने वाले लोग सदा धन संपत्ति से संपन्न हैं, और जो राजा राज्य के ऐश्वर्य के मद में चूर हो जाता है उसे सच्चे सुख और कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वह आपकी माया से मोहित होकर अपनी नाशवान संपत्तियों को अचल अमर मान बैठता है। हे भगवान, पहले हम लोग अपनी धन संपत्ति के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम लोग इतने मतवाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इस बात की हमने कभी परवाह ही नहीं की। सच्चिदानंद श्री कृष्ण काल की गति बहुत निराली है और यह किसी के टालने से नहीं टलती, क्योंकि है तो काल आपके अधीन ही, जिसने हम जैसे सत्ता सुख भोगियों को एक क्षण में श्रीहीन और निर्धन कर दिया। प्रभु, आपकी परम कृपा से हमारा सारा घमंड जाता रहा और अब हम आपके चरण कमलों का ही स्मरण करते हैं। प्रभु, हमारा शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है और रोगों का तो यह भंडार ही ठहरा। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य और वैभव की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जादूगर के खेल के समान यह सब मिथ्या है। और यही नहीं, हमें कर्मों के फल स्वर्ग आदि लोकों की भी जो मरने के बाद मिलते हैं अब कोई अभिलाषा नहीं रही। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे मन में आपकी स्मृति सदैव बनी रहे, चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति होगी। ये जान लो कि मैं ही सबकी आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने मुझसे जो भी कहा वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धन संपत्ति और ऐश्वर्य के मद में चूर होकर बहुत से लोग निरंकुश और मतवाले हो जाते हैं। हैयत, नाहोश, वेन, रावण, नरकासुरादि अनेकों देवता, दैत्य और राजा घमंड के कारण अपने स्थान और पद को खो बैठते हैं। तुम लोग ये समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं
तो उनकी मृत्यु भी पूर्ण निश्चित है, अतः उनमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से इंद्रियों और मन को वश में रखकर यज्ञ द्वारा मेरा यजन करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोगों के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो भी प्राप्त हो उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में ही रमण करो और भजन तथा आश्रम की योग्य व्रतों का पालन करते रहो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही पाओगे।